फ्रांस में जारी हिंसक प्रदर्शन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए फ्रांस की आग टॉप 9। पेरिस में गुस्से की आग में जल रहे प्रदर्शनकारियों ने शोरूम में कई गाड़ियां नीचे फेंक दी। बहुमंजिला शोरूम से नीचे फेंके जाने के बाद कारों में आग लग गई। एक के बाद एक चार गाड़ियां प्रदर्शनकारियों ने नीचे फेंक दी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि फ्रांस में हालात कैसे हैं। 17 साल के लड़के की मौत के बाद लोगों का गुस्सा बेकाबू है। 17 साल के लड़के की पुलिस फायरिंग में मौत के बाद पिछले 3 दिनों से हिंसा की आग में जल रहे फ्रांस में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में आगजनी तोड़फोड़ के बीच सरकार इमरजेंसी लगाने पर भी विचार कर रही है। फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्ड ने कहा शांति के लिए सभी विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। फ्रांस के लियोन शहर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तांडव मचाया। लियोन में दंगाइयों ने जगह जगह आग लगा दी। सुरक्षा बल हालात को काबू करने में नाकाम दिख रहे हैं। लोगों में पुलिस के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। दंगाई पुलिस की और क्रैकर्स फेंक रहे थे। लियोन में दंगे की आग में कई इमारतों को भी नुकसान की खबर है। फ्रांस की हिंसा के बीच मार्सिले में चीनी पर्यटकों के बस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। इस हमले में चीनी पर्यटकों को किसी तरह से बचाया गया। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सुरक्षित भीड़ के बीच से निकाल लिया। मार्सिले में उपद्रवियों ने एक गाड़ी में तोड़फोड़ की। चेहरे पर मास्क लगाए उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया। 27 जून को पेरिस में 17 साल के नाहेल नाम के युवक को ट्रैफिक पुलिस ने जाँच के दौरान गोली मार दी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। दावा किया जा रहा है कि जांच के दौरान भागने के क्रम में पुलिस ने नाहेल को गोली मारी थी। इसी के बाद फ्रांस में हिंसा और गुस्से की आग भड़क गई। मार्सिले में प्रदर्शनकारियों ने सेंट्रल स्टॉक एक्सचेंज में भी तोड़फोड़ की। हिंसा की आग में जल रहे फ्रांस के उत्तर पश्चिमी इलाके के रुआन शहर में हिंसक प्रदर्शन के दौरान एक युवक छत से गिर गया। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। रुआन शहर में प्रदर्शनकारियों ने कई इमारतों में आग लगा दी। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। फ्रांस में हालात को काबू करने के लिए करीब 50,000 सुरक्षा बलों को सड़कों पर उतारा गया है। मार्सिले में एक स्कूटी सवार को सुरक्षा बलों ने बेरहमी से पीटने के बाद उसे हिरासत में ले लिया। करीब 1100 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। फ्रांस की हिंसा को लेकर आशंका जताई जा रही है कि अगर इसे काबू नहीं किया गया तो ये पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकता है। फ्रांस में हिंसा और आगजनी के बीच दंगाई लूटपाट भी कर रहे हैं। एक सुपरमार्केट के गेट को दंगाइयों ने कार चलाकर तोड़ दिया। बड़े बड़े शोरूम में तोड़फोड़ करके लूटपाट हो रही है। अहम इमारतों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मैक्रो सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फ्रांस हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के एक वीडियो को लेकर लोगों का गुस्सा और भड़क गया है। मैक्रों एक कार्यक्रम में मस्ती के मूड में थिरकते नजर आ रहे हैं। मैक्रों एल्टन जॉन के संगीत में पहुंचे थे। तस्वीरें सामने आने के बाद मैक्रों फ्रांस की मीडिया के निशाने पर भी हैं।